मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने बाकी हैं। इससे पहले बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों को वर्क प्लान बनाने को कहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सांसद अपने वर्क प्लान बनाकर पीएम को देते हैं, उसी तरह विधायक भी अपने कार्यक्रम बनाकर काम करे। सीएम शिवराज ने ये भी ऐलान किया है कि अब बेटियों की तरह मेरिट में आने वाले बेटों को भी ई स्कूटी दी जाएगी। पीएफआई, आतंकवाद, राष्ट्रविरोधी ताकतें अभी से रंग दिखाने लगी। ये मध्यप्रदेश है, मध्यप्रदेश वो एक अभी अभी हट हिजबुल क्या तहरीन का जरा पता चला तो उठा के धर लिया सब। 10 पकड़े हमने भोपाल से और 5 पकड़े हैदराबाद से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राष्ट्र विरोध की कल्पना करने वाले तक वो भी किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। ये कार्य समिति की बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक के 9वें सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि ये कर्नाटक फर्नाटक क्या है, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ हम धूमधाम से जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे। कांग्रेस के पास क्या है? हमारे पास नरेंद्र मोदी हैं। कांग्रेस कहीं से भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे तरकश में अभी भी बहुत से तीर हैं। शिवराज ने कहा कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले ही पीएफआई जैसी राष्ट्र विरोधी ताकतें सिर उठाने लगी हैं। उन्होंने कहा कि हम देश विरोधी ताकतों को छोड़ेंगे नहीं। जेएमबी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। 2003 में ही सिमी डकैतों का सफाया कर दिया था। हमने नक्सलियों को मार गिराया है। अगर दूसरी सरकार होती तो सोचिए क्या होता। वहीं कार्य समिति की बैठक के सत्र के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस के बारे में मैं क्या कहूं? कांग्रेस के दो जासूस बोलूं, बुड़ाऊ बोलूं, क्या बोलूं? घूम रहे हैं। 75-75 साल की उम्र है वो, जब चलते हैं खाली चाल ही देख लो आप। कमलनाथ जी जब चले तो उनका एक वीडियो निकाल लेना, और शिवराज जी जब चले तो उसका वीडियो निकाल लेना। स्पीड से पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी तेज है। कार्य समिति की बैठक में विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं और सीनियर नेताओं में बढ़ते असंतोष पर कहा कि कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही। प्रभारी मंत्री के दौरे के वक्त हवा की तरफ जाते हैं और तूफान की तरफ वापस लौट आते हैं। चुनावी समय में ये व्यवहार ठीक नहीं। इसे मंत्रियों को लेकर जिलाध्यक्षों विधायकों को सुधरना होगा। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के दो जासूस बोलूं, बुढ़ाऊं बोलूं, क्या बोलूं, घूम रहे हैं। 75-75 साल की उम्र है वो, जब चलते हैं खाली चाल ही देख लो आप। कमलनाथ जी जब चले तो उसका एक वीडियो निकाल लेना, और शिवराज जी चले उसका वीडियो निकाल लेना। स्पीड से पता लग जाएगा बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी कितनी तेज है, खाली स्पीड से। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत देश भर में वरिष्ठ नेताओं की करीब 51 रैलियां होंगी। 396 लोकसभा सीटों पर जनसभाएं होंगी, जिनमें केंद्रीय मंत्री या पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी का होना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक भी इन रैलियों और जनसभाओं में शामिल होंगे। संपर्क से भी समर्थन की अपील करते हुए विशिष्ट परिवारों से संपर्क साधा जाएगा। हर लोकसभा क्षेत्र में 250 विशिष्ट परिवारों से संपर्क होगा। प्रभावशाली व्यक्तियों जैसे खिलाड़ी, कलाकार, उद्योगपति, शहीद और अन्य प्रसिद्ध लोगों से संपर्क साधा जाएगा। जनसंपर्क अभियान के तहत विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और भोजन करना, पार्टी के सभी सातों मोर्चों का संयुक्त सम्मेलन करना, हितग्राही सम्मेलन और 21 जून को योगा दिवस पर कार्यक्रम शामिल है। 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के लिए 10 लाख बूथों पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा। 20 जून से 30 जून तक घर घर संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। मोदी सरकार की 9 सालों की उपलब्धियों को जनता से साझा करने के लिए प्रचार सामग्री बांटी जाएगी।